60 डेज माध्यमिक फिजिकल साइंस सिलेबस सेस। आज आपका स्वागत है इस कोर्स में जहां हम करने वाले हैं सेकेंड डे आज के इस वीडियो में फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आपको मैंने बताया 60 डेज सिलेबस सेस फिजिकल साइंस ये हमारा लक्ष्य। इस लक्ष्य के दूसरे दिन में हम आज का कोर्स स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फिजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, ये है सेकंड डे, आज डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे इस कोर्स में। तो ये हमारा वो स्टडी मटेरियल है जो हम पेड कोर्सेज में पढ़ाते हैं। एमसीक्यू 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोगों को यहां मिलते हैं। ये जो हमारा नोट है ये एक्चुअली एक परचेज नोट है जहां पर आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा जहां से आप इसके फ्री वर्जन को देख सकते हैं और पेड वर्जन के लिए पेमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसीक्यू के टोटल 49 क्वेश्चंस है जो पेज नंबर 3 से 21 तक दिए गए हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है जो कि पेज नंबर 22 से 27 तक दिए गए हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगर इस नोट को ओपन किया जाए तो हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन कौन कौन से है। मैंने जिन क्वेश्चंस को यहां लिया है आज ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर समझाने वाला हूं आज के इस क्लास में एमसीक्यू और 1 मार्क्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज और देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए इस सीरीज में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है What value, whose value is equals to 290K? तो 290K किस वैल्यू के इक्वल है हमें ये निकालना है। देखिए केल्विन से लेके सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्जन का जो रूल है आपको पता होना चाहिए कि जब केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो केल्विन में सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए -273 करते हैं। जब आप केल्विन को सेंटीग्रेड की तरफ लेकर जाएंगे तो आप क्या करेंगे -273 करेंगे। अब आपके पास चूंकि वैल्यू दी गई है 290 और आप इसमें से -273 डिग्री करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 17। ये होगा डिग्री सेंटीग्रेड में, जहां पर ये 290 हमारे पास केल्विन में था डिग्री सेंटीग्रेड आंसर हमारा हुआ 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 17 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा बल्कि उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको इस तरह के हर एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाए। वैसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। Which of the following does not deplete the ozone layer? तो इनमें से कौन सा है, हमारे पास चार ऑप्शन है, कौन सा है जो ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं करता है, डिप्लेशन नहीं प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन में पहला है NO, ओके, दूसरा है N2O, तीसरा है CFC और चौथा है CO2। अब यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बोर्ड के सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आपको पता है ये चारों के चारों गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैंने आप लोगों को अपने पिछले क्लास में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिटेल्स में समझा दिया था। अर्थ पर ये गैसेस है जो अर्थ पर आने वाले सन के अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ये गैसेस हमारे ग्लोबल वार्मिंग वाले रेस्पॉन्सिबल गैसेस हैं, इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब यहां पर आपसे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछ रहा है कि ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है उनके लिए इनमें से कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादातर बच्चे चूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है नाइट्रोजन तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, शायद ये आंसर हो सकते हैं, जबकि ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है बट ये ओजोन लेयर के डिप्लेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको समझाने की भी कोशिश की है, द गैस डजंट डू इज CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस बट डज नॉट रिएक्ट विद ओजोन और कंट्रीब्यूट इन द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, हाउएवर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाइट्रिक ऑक्साइड NO और कह सकते हैं N2O जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी डिप्लेशन में के सब्सटेंस है या डिप्लेशन में हेल्प करते हैं। समझ आया, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ इज, अर्थ के क्लोजेस्ट वाला एटमॉस्फेयर का लेयर कौन सा है, आंसर है ट्रोपोस्फेयर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द एटमॉस्फेरिक लेयर सिचुएटेड अबव द अर्थ सरफेस इन विच नेचुरल फेनोमेना लाइक रेन क्लाउड थंडर क्लैप स्टॉर्म दीज थिंग्स अकर्स। ओके, तो हम लोग पता है कि जो नेचुरल फेनोमेनाज है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में होता है, तो इसका सही आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने लेयर के डिस्कशन के दौरान भी बताया था, वहां से भी आप कर सकते हैं। आप जो PDF नोट को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये जो लिंक दिया गया है ये लिंक आप क्लिक कर सकते हैं तो हमारे वेबसाइट पर चले जाएंगे। ये आप लोगों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट रखा गया है www.ramadantutorial.com जहां पर आप जाकर इस तरह के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पेड दोनों ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैप्स रेट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है जनरली द टेम्परेचर डिक्रीजेस एवरी 165 मीटर अबव, मतलब अगर आप अर्थ के सरफेस पर है
और अर्थ के सरफेस से अगर आप 165 मीटर के हाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर, मतलब अर्थ के सरफेस पे जो टेम्परेचर है और यहाँ जो टेम्परेचर है, ये दोनों में डिफरेंस मिलेगा। क्लियर? मान लेते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर वो टेम्परेचर कितना जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिए एवरी 165 मीटर पर जो टेम्परेचर का डिक्रीमेंट होता है वो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अगर यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर जाके वो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, एवरी 165 मीटर पर टेम्परेचर 1 डिग्री ड्रॉप होता है। क्लियर? इसे हम लैप्स रेट से समझाते हैं। लैप्स रेट के बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल नोट बता दिया, आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के दौरान भी बताया है, पूछे गए थे, और इसके अलावा मैंने ये भी बताया है जब मैंने लेयर के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। इन विच लेवल ऑफ एटमोस्फेयर जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई, जेट एयरक्राफ्ट किस में फ्लाई करता है? आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इन विच लेयर रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्ट, रेडियो वेव्स के बारे में आपको पता है, ये कौन से लेयर में, एटमोस्फेयर के लेयर में इन्हें ब्रॉडकास्ट किया जाता है? याद रखिए रेडियो वेव्स जो है वो हमारे आयनोस्फीयर में ट्रैवल करते हैं। इसका सही आंसर होगा आयनोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच फ्यूल हैज द लार्जेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? तो इनमें से हमारे पास 4 गैसेस दिए गए हैं और इनमें से लार्जेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका है ये पूछा गया है। अब देखिए इसका ज्यादातर आंसर हाइड्रोजन आने वाला है, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर हाइड्रोजन देंगे, बट हाइड्रोजन तो तब होगा ना जब इस चारों में से कोई ऑप्शन होगा। अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत वैल्यूएबल है। बता दूं इसका सही आंसर है एलपीजी गैस। ओके, ये जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, कोल, पेट्रोल, बायोगैस और एलपीजी, में एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई है। अगर आपको ये कैलोरीफिक वैल्यू वर्ड नहीं पता तो चलिए मैं समझा देता हूं। अगर मैंने ये चीज अपने पिछले क्लास में भी समझाई थी, नहीं पता है तो जान लेते हैं कि अगर मैं आपको एक सर्टेन क्वांटिटी दे दूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1 kg दे दिया और 1 kg की क्वांटिटी का मैं 2 चीज आपको प्रोवाइड करता हूं, ये भी 1 kg है। ठीक है, यहां पर मैं आपको 1 kg के लिए पेपर देता हूं और मैं यहां पर 1 kg का आपको कोल देता हूं और बोलता हूं इन दोनों को बर्न करो, बर्न करने के बाद आप मुझे चाय बना के दो। ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा कि 1 kg के पेपर को बर्न करने पर आप चाय शायद ना बना पाए, लेकिन कोल में आप डेफिनेटली बना लोगे। राइट, तो क्या बात पता चली? अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जनरेट होता है, इवन कि आपके पास क्वांटिटी सेम है, हर एक सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं प्रोड्यूस करता। कोल ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू पेपर। ठीक है, 1 kg कोल जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, 1 kg पेपर उतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो चाय बन नहीं पा रही है। तो पॉइंट यह है कि जिस भी क्वांटिटी को हम ले, जिस भी मैटर को हम ले रहे हैं, उसका एक यूनिट क्वांटिटी बर्न करने पर वो कितना अमाउंट ऑफ, कितना कैलोरी आपको हीट प्रोड्यूस करके देगा, उसे हमें देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू से। ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ ओजोन? तो आंसर सबको पता होगा, O3। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन ऐड करता हूं यहां पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? अब देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल की जगह पर अगर मैं इस क्वेश्चन को रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पे चेंज करूं तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है। फॉसिल फ्यूल के बेसिस पर देखते हैं, पेट्रोल, डीजल, सोलर एनर्जी और कोल। पेट्रोल, डीजल और कोल ये सभी ऐसे हैं जो एग्जॉस्टेबल है, जिन्हें हम लोग नॉन रिन्यूएबल में काउंट करते हैं, खत्म हो जाएंगे, बट कि सोलर एनर्जी खत्म नहीं होती। क्या ये रीजन है? नहीं। फॉसिल फ्यूल का मतलब है ऐसे फ्यूल्स जो हम लोग अर्थ के अंदर से मिल रहे हैं और इनमें सारे हमारे नॉन रिन्यूएबल ही आते हैं। तो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज उनको हम बात देंगे, रिन्यूएबल सोर्सेज को रखेंगे, और सोलर एनर्जी हमारे पास एक ऐसा आंसर है। क्लियर? तो फॉसिल फ्यूल्स में हम लोग इस तरह से भी आंसर चूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू बंद करके 1 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which of the following is not a greenhouse gas? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोरा ग्रीनहाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन आपको दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया गया, सीएफसी दिया गया, मीथेन दिया गया है। आपको बता दूं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये दोनों ही ग्रीनहाउस गैसेस नहीं है। क्लियर? सीएफसी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये सभी जो बाकी रिमेनिंग गैसेस है, ये सारे के सारे गैसेस आपके ग्रीनहाउस गैसेस है। मीथेन भी ग्रीनहाउस गैस है, याद रखिएगा। सिंस मीथेन एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, मीथेन हाइड्रेट्स को फायर आइस कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे मीथेन चूज कर बैठते हैं अगर ये ऑप्शन ऑक्सीजन वो पहले ना देखे। ठीक है, आपको यह याद रखना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रीनहाउस गैसेस नहीं है। और इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास एयर है उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ही है। अगर ये ग्रीनहाउस गैसेस बन गए तो अर्थ में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सर चलिए हमारा आज का एमसीक्यू का सीरीज, हम लोग आज 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। एक चीज और मैं बताता चलता हूँ, इसके बाद आने वाले सीरीज में मैं कल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ
हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का टेस्ट देंगे। जब मैं टेस्ट लूंगा तो मैं आपको एमसीक्यू ऑप्शंस दूंगा। आप हमारे वेबसाइट पर भी टेस्ट दे सकते हैं, वहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत सारे अलग क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पर अगर आप देना चाहते हैं। फ्री और पेड दोनों अवेलेबल है। फ्री वर्जन में भी आप कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे, पेड वर्जन में आपके पास लगभग ये जितने क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चंस वहां प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। याद करने के बाद रिवीजन करना जरूरी है, रिवीजन के लिए टेस्ट दे सकते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है, कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको टेस्ट के दौरान जब हमारा फ्री वाला टेस्ट चलेगा तब मैं उसे प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर को नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रिपेयर जरूर करके रखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं इन सारे क्वेश्चन को मैं अगले क्लास में आपसे टेस्ट के दौरान पूछूंगा, एमसीक्यू टेस्ट जब लिया जाएगा। तो ये हमारा एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन 48 नंबर जा चुका है। अब हम लोग वन मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वन मार्क्स पे पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच लेयर एटमॉस्फेयर डू स्टॉर्म्स एंड रेन अकर। स्टॉर्म और रेन किस लेयर में अकर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, वन वर्ड आंसर है, बहुत ईजी है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। विच बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन बायोमास इंटू मिथेन। बायोमास को मिथेन में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है, मेथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेथोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज है जो बायोमास को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं बायोगैस प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका क्या इफेक्ट है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट और जो सबसे कॉमन इफेक्ट जो ज्यादातर बच्चे लिखते हैं, आइस कैप का जो आइस है उसका मेल्ट करना। ठीक है, आइस कैप का आइस मेल्ट करने की वजह से इवेंचुअली वी नो दैट द वॉटर लेवल इन द सी इज इंक्रीजिंग, आप इसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डीजल एलपीजी और मीथेन, आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका है। यहाँ पर मीथेन चूज करेंगे क्योंकि ऑप्शंस में मीथेन हमारे पास है, मीथेन उससे भी बेहतर है, एलपीजी से भी बेहतर है और बेस्ट है हाइड्रोजन, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच डस टेम्परेचर डिक्रीज एट अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। याद है पिछले मैंने बताया था कि 165 मीटर के हाइट पर आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप 1 किलोमीटर हाइट तक चले जाएंगे तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। आंसर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसी लैब्स रेट से ही इसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। L is liquefied, P is petroleum, G is gas. LPG is liquefied petroleum gas. याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, what is the unit of calorific value of fuel? Calorific value of fuel जो निकालते हैं, calorific value किसी भी fuel का, उसकी यूनिट क्या है, उसे किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो उसका यूनिट जो है वह है जूल पर ग्राम, या फिर आप किलो जूल पर ग्राम भी कह सकते हैं, किलो जूल पर केजी में भी इस्तेमाल किया जाता है, आप जूल पर ग्राम को ही आंसर में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो यूनिट रखी गई है वो लिखा गया है g j to the power minus 1 जूल पर ग्राम। ओके, इसे आप जूल पर ग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े यूनिट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है which layer इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कवर। किस लेयर को हम लोग प्रोटेक्टिव कवर करते हैं, तो जो हमारा ओजोन लेयर है वो हमारा प्रोटेक्टिव कवर है, क्योंकि अर्थ के एटमोस्फेयर में जो हमारे पास ये एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसे हम लोग ओजोन कहते हैं, ओजोन लेयर O3, इसका काम है सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज, ये जो यूवी रेज आते हैं ये उनको फिल्टर कर लेता है। यूवी रेज यहाँ तो प्रेजेंट है बट यहाँ पर पहुंचने पर यूवी रेज प्रेजेंट नहीं होता है, इससे क्या हुआ, यूवी रे का फिल्ट्रेशन हो गया हमारे इस वाले लेयर पे, जिस लेयर का नाम है ओजोन लेयर, इसलिए ओजोन लेयर को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का यूनिट हम लोग जनरली मिलीबार यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ टू मेन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में जो मेन टू नाम हम लोग देंगे वो CO2 है, CH4 है। अब आप कहेंगे सर आप CFC का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं, CFC में मेन कॉम्पोनेंट है क्लोरीन, क्लोरीन है जो रिस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको अपने लेक्चर के दौरान बताया था कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल की कैपेसिटी है कि वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए सीएफसी का क्लोरीन जो है वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो मेन ग्रीन हाउस गैसेस है वो मेरे कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं कुछ और एक दो क्वेश्चन आपको ऐड कर देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। विच गैस इज रिलीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फ्रीजर एंड एयर कंडीशनर। यहाँ पर सीएफसी रिलीज होता है जिसका फुल फॉर्म है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, याद रखिएगा। ऑफ विच मटेरियल इज द सोलर सेल मेड एंड विथ विच मेटल इट इज अटैच्ड। तो ये सोलर सेल है ना वो किससे बना होता है, याद रखिएगा वो सेमीकंडक्टर से बना होता है और सेमीकंडक्टर सिलिकॉन यूज होता है। और यहां पर कौन सा मेटल आप यूज कर सकते हैं, तो बेस्ट कंडक्टर आपको यूज करना चाहिए सिल्वर, बट ऑब्वियसली सिल्वर की कैपेसिटी, आप सिल्वर को नहीं यूज कर पाएंगे,
लेकिन आपको यूज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगा वो सब चाहिए विद लो रेजिस्टेंस। इसके बारे में जब मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझाऊंगा तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ जो सोलर सेल बनता है वो किस मटेरियल का बनता है, एलिमेंट का बनता है सिलिकॉन, वो एक सेमी कंडक्टर है। अगर आपको नहीं पता कि सेमी कंडक्टर क्या होते हैं तो चलिए समझा देता हूँ। अर्थ पे जो हमारे पास मटेरियल्स है उनको हम लोग या तो कंडक्टर कहते हैं या नॉन इंसुलेटर कहते हैं, यानी कि नॉन कंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कैपेसिटी होती है। ये जो पार्शियली कैपेसिटी होती है उसे हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के यूज किया जाता है उसे इंक्रीज करके, क्लियर है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज मैंने आप लोगों को फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफी प्रोडक्टिव रहा होगा, आपको सारी चीजें समझ आई होंगी और आप अच्छे से इसे घर पर प्रिपेयर करेंगे। अगले क्लास में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। जितने भी नोट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इनका फ्री वर्जन और पेड वर्जन दोनों अवेलेबल है। आप चाहें तो फ्री वर्जन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पेड वर्जन को परचेस कर लें। और उसे परचेस करने के लिए अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से ज्वाइन कर लें। आने वाले क्लासेस के बाद यानी फोर्थ क्लास में मैं इस चैप्टर का टेस्ट लेने वाला हूँ। कल मिलेंगे थर्ड क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, फोर्थ क्लास में टेस्ट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। 60 दिन सिलेबस खत्म करने वाला हूँ, अच्छे से तैयारी कीजिए। एक बार दोबारा जाने से पहले स्लोगन बताता हूँ, 60 डेज सिलेबस सेस, ये है हमारा टारगेट। तो चलिए आज का वीडियो इतना दूर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।